इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत बहुत कम जगह पैदा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमेश और स्वागत करता हूँ आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैंने आज ये कोट, ये जो कोटेशंस मैंने आपके सामने बोली थी, ये मैंने आखिर क्यों बोली, थोड़ा इसके बारे में सुन लीजिए आप, उसके बाद शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, रेलवे का जो ये पार्ट 11 मैंने अपलोड करा था अपने चैनल पर, उसमें डिस्कस करा था मैंने पेटीएम के बारे में, साल भर की कमाई के बारे में। काफ़ी दबाव मेरे ऊपर बन रहा था काफ़ी समय से कि आप अपनी पेटीएम मनी बताओ, और ये एक्चुअली 15-20 लोगों का कुछ ग्रुप वगैरह है, ये कंटिन्यू मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं। सबको मैंने ब्लॉक करा, उनके पास चार चार पांच पांच नंबर है, तो मैं ब्लॉक की लिस्ट कहाँ तक बढ़ाऊँ अपनी। उसके बाद में वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आ रही है, ऑडियो कॉल आ रही है, और उस नंबर पे कंटिन्यू कॉल पे कॉल। फाइनली ये चाहते हैं, मुद्दे की बात इनके ये है, या तो इनके चैनल को प्रमोट करो या फिर अपना चैनल रिमूव करो। तो क्या हो रहा है कि अच्छाई पर अब बुराई की जीत काफ़ी हद तक हो चुकी है, और आगे अब इनकी शायद जीत होने वाली है। इन सभी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुझे सहायता चाहिए आपकी। मैं ये नहीं कहता आप हॉकी सॉकी लेके आओ, मार पिटाई करो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ना ही ऐसा कुछ सोचना भी है, क्योंकि ऐसा तो फिलहाल हम कर भी नहीं सकते, पहली बात तो ये है। फाइनली आपको अब बस केवल ये करना है कि अगर मैं कभी भी कमेंट्स रिमूव कर दूँ, तो पढ़ने वाले बच्चे उस बात को लेके नाराज ना हों, क्योंकि वो कंटिन्यू अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं लिंक डाल के मेरे कमेंट बॉक्स पर, और यूट्यूब मुझसे ये कहता है कि आप विद इन 5 मिनट के अंदर उस कमेंट्स को डिसेबल करिए। अब आप बताइए कि मैं अगर 8 आवर में जॉब करके आता हूँ अपनी, उसके बाद में 8 आवर में मैं ऑफिस के अंदर 5-5 मिनट में मैं चेक करूँ अपना यूट्यूब कमेंट्स रिमूव करने के लिए, तो या तो मैं ये काम कर पाऊँगा या फिर वो काम। तो मेरी सैलरी वहाँ से आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में वहाँ का हूँ, मेरी अच्छी सैलरी वहाँ से आती है। अब रही बात यूट्यूब की अर्निंग की, तो इसकी यूट्यूब की अर्निंग है पर मंथ 500 रुपये। अब जिसमें ब्रॉडबैंड नेट का कनेक्शन भी उठाना है हम लोगों को, उसमें मेरा टाइम भी है, उसमें स्कैनिंग भी है, बुक को फाड़ के कई पेज स्कैन करा जाता है। आप सोचिए कि इतने कम अमाउंट में क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे लिए ऑप्शन यही रहेगा, अगर ये यूट्यूब चैनल रिमूव हो गया तो मैं शायद अपनी जॉब तो ड्रॉप नहीं करूँगा, एक नया चैनल आपके लिए नहीं बनाऊँगा। नेकी उतनी करो जितनी बर्दाश्त हो सके। अब ये नेकी जो है मेरे सर के ऊपर से जा रही है। अब देखिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी समय से इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको इंतजार रहता है हर एक वीडियो का, और वो तरीके से नोट्स बना रहे हैं। तो उनसे बस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके ना इस वीडियो को शेयर करिए आप। जैसे आपने देखा होगा लूसेंट बुक के बारे में, कि लूसेंट बुक जैसे ही वीडियो मैंने कंप्लीट करा, तो उसके बाद में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक स्ट्रीम करूँगा, लाइव स्ट्रीम आऊँगा, आपसे क्वेश्चंस पूछूँगा। केवल केवल और केवल 4 बच्चों ने उसमें रिप्लाई करा था कि हाँ सर, हम लोग तैयार हैं। अब जरा आप लोग देखिए कि उस समय सब्सक्राइबर थे 74,000, 74,000 सब्सक्राइबर में केवल 4, और एक ने मुझे करा था SMS मेरे नंबर पे कि सर मैं तैयार हूँ, तो टोटल मिला के हो गया केवल 5। अब आप देखिए कि आप कितना पढ़ने वाले हैं। थोड़ा लगता है ना, दुख होता है। उस समय मैंने 1 महीने के अंदर अंदर मैंने पूरी लूसेंट खत्म करवाई थी। पार्ट 9 में मैंने आपसे कहा था कि मुझे PDF बना के दो। बच्चे कुछ बच्चे आगे आए थे, लेकिन उनकी कैमरे की वीडियो क्वालिटी सही नहीं थी, और कुछ बच्चे ऐसे भी आगे आए थे कि पहले आप उनको पेमेंट करो 5,000 रुपये, हम आपको उसका PDF बना के देंगे। ऐसे भी आए थे कुछ बच्चे उस दौरान, ऐसे भी आए थे कि सर जॉब ड्रॉप कर दो अपनी, नेकी वाला काम कर रहे हैं, आपके लिए जॉब दोबारा मिल जाएगी। कुछ बच्चे सेल्फिश भी आए थे, ऐसे बच्चों को मैं सेल्फिश बोलूंगा जो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। डेफिनेशन यही है अकॉर्डिंग टू मी, आपके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है आई डोंट नो। तो इस तरह का माहौल अब इस चैनल पर चलना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं सबसे पहले कमेंट्स को रिमूव करूंगा, या तो कमेंट्स रिमूव करेगा यूट्यूब ऑटोमेटिक, या फिर करूंगा मैं खुद। अब देखिए, आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, और लाइक का रेशियो जितना बढ़ा सकते हैं इस चैनल पर बढ़ाइए, क्योंकि बुराई की जीत हो इससे पहले अच्छाई की जीत के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। सहयोग बस केवल इतना चाहिए, मुझे कोई आपसे पेटीएम नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई PDF स्कैन नहीं चाहिए,
मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस छोटा सा सपोर्ट है। क्या करना है आपको? 3 4 क्लिक करने, करना क्या है? लाइक में कितने क्लिक होता है? सिंगल क्लिक होता है। शेयर में कितना क्लिक होता है? 3 क्लिक होता है। शेयर पे क्लिक करोगे, अपनी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है उस पर क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे उसको, उसको सेंड कर दोगे। बस यही तो करना बच्चों। देखिए एक वीडियो बनाने में कितना टाइम खर्च होता है वो मुझको पता है। हम लोग मैं एक्चुअली कैसे टाइम निकाल रहा हूँ तो मैं आपको एक्चुअली ये इमोशनली आप कुछ मुझको पता है कि कमेंट्स करेंगे इस वीडियो को लेकर भी पक्का कमेंट्स करेंगे। देखिए दो तरह के इंसान होते हैं, एक होता है कर्म करने वाला, एक होता है दूसरे की आलोचना करने वाला। कर्म करने वाला कंटिन्यू आगे तक बढ़ते रहता है, लेकिन आलोचना करने वाला भी आगे बढ़ता है लेकिन उसकी एक निश्चित सीमा होती है, उसके बाद वो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो अब आप खुद सोचिए कि आप किस कैटेगरी में आना पसंद करेंगे, पहली वाली या फिर दूसरी वाली। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चलिए देखिए ये जो बुक है, ये बुक है आपकी विद्यापीठ की, और ये पब्लिकेशंस काफी फेमस पब्लिकेशंस हैं 2017 के एंड के मार्केट में जो चल रहा है। इसकी जो गैसिंग पावर है एक्चुअली हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी गैसिंग पावर चल रही है इसकी। और अगर आपके पास में ये बुक है तो आप इसके प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दो। आप चाहे किसी भी स्टेट की तैयारी करते हो, किसी भी पुलिस की, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, या फिर जिस स्टेट का मैं लेके आया हूँ आज उसकी पुलिस की बात क्यों ना हो, तो अगर ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, खुद सेट लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। अदरवाइज अभी जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आप भी इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है? ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको अटेम्प्ट करिए। आपका जो भी फाइनल स्कोर आता है उसमें आप खुद एक बार वीडियो का जैसे ही एंड होगा 15 मिनट अपने साथ बैठना कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, किस पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, राइट? उस पर फिर काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी थोड़ा समय है आपके पास में। आज शायद बातें बहुत अधिक हुई, लेकिन बात आपके अकॉर्डिंग शायद ये मुद्दे की बात नहीं होगी, शायद बकवास होगी। कुछ लोगों के कमेंट्स आने वाले हैं मुझे पता है, तो ठीक है आप करिए कमेंट्स, मैं तैयार हूँ आपके कमेंट्स को झेलने के लिए, जब तक सीमा है तब तक। बाकी फिर जय माता दी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस ज़्यादा देखो इजी नहीं है क्वेश्चंस, इसमें थोड़ा टफ लेवल है केवल इस क्वेश्चंस का, आगे इजी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न में से किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं? ए बी सी डी, राइट आंसर आपको चूज करना है इसमें। फर्स्ट का राइट आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में भादनकों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर। एक क्वेश्चन में मैं आपको दूंगा केवल 8 सेकंड, अगर आप एक क्वेश्चन में 15 सेकंड ले रहे हैं, 17 सेकंड में आप आंसर दे रहे हो, तो आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत खराब हो जाएगी एग्जाम में। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अभी करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? जो आपका टाइम पीरियड एग्जाम में होगा वही टाइम पीरियड में आपको अपना मॉक टेस्ट देना है, तो आपकी एवरेज केवल इतनी ही आएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस टाइम को लेकर के भी ध्यान रखो, साथ में हो सके तो घड़ी लेके बैठो, क्योंकि आप मोबाइल पे वॉच कर रहे हो तो जैसे ही आप वीडियो वॉच करते हो तो शायद टाइम टॉप पे नहीं आता है, तो अगर एक वॉच है तो वॉच लेके बैठो। सेकंड का राइट आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, मथुरा अखबार कैसा पत्र है? दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या फिर मासिक? तो थर्ड का सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा आपका साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 4, लाला लाजपत राय ने कहाँ 1886 ईस्वी में आर्य समाज की शाखा स्थापित करी? क्वेश्चन नंबर 4 राइट है इसका आंसर, हिसार। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, महम हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? राइट आंसर 5, रोहतक। क्वेश्चन नंबर 6, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब ए बागवानी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है जो बिलोंग करते हैं हरियाणा से? उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा, ये मेरी श्योरिटी है आप लोगों को, क्योंकि उनके पास मतलब हरियाणा में गाय वगैरह मतलब मिलती है अच्छी खासी, और क्या पता जो वीडियो देख रहे हैं उनके यहाँ पे गाय वगैरह हों,
इस नस्ल की ना हो लेकिन गाय तो होगी, लेकिन जब बातचीत होती है गाय के परिवार के अंदर तो फिर इसका भी जिक्र पक्का आता है। तो बताइए इसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर है इसका सी, सहीवाल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ पे अवस्थित है? पानीपत, हिसार, यमुनानगर, गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर होगा आपका सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? थोड़ा डीप क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मतलब कि टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में ये आएगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए अगर आपको दो में डाउट हो अटेम्प्ट करिए, अगर चारों में ही डाउट हो तो उसको एग्जाम में छोड़ के आ जाना, क्योंकि तुक्के वाला हिसाब अब नहीं चलता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कहने की काउंट हो रही है आपकी। 9 राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी स्थित है कहाँ पर? ये कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर है आपका ए, अम्बाला। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? चार ऑप्शंस आपके सामने, थोड़ा सोचिए। ए, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में लागू पहली योजना कितने वर्ष के लिए थी? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। देखिए राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य का मतलब क्या होगा? हरियाणा। कहीं आप सोचो कौन से राज्य की बात कर रहे हैं, तो ये है आपका 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, मध्यकाल में उत्तरी संगीत और परंपरा फली फूली जिसके अंतर्गत किस विद्या का वजूद कायम हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर है इन सभी का हुआ था डी। देखिए अगर आपको स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, फाइनल जितने भी आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ 1 2 3 4 ये सब हैं तो लगा लीजिए अपना आंसर, क्योंकि मुझे स्पीड मेंटेन इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और शायद लंबा वीडियो बच्चे बहुत कम वॉच करते हैं, इसलिए यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो वॉच करते हैं देखते हैं कभी भी किसी भी चैनल का। जैसे कि मुझको पता है कि आपने बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, मैक्सिमम वीडियो की जो लेंथ बनती है वो बनती है 15 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट, और इस चैनल पे बनती है बहुत लंबे लंबे वीडियो। इसी चक्कर में मैक्सिमम बच्चे वीडियो को ऑफलाइन सेव करते हैं, व्यू काउंट नहीं हो पाता और फिर ज़्यादा इसका रिजल्ट नहीं आता वीडियो का। तो इसलिए जैसे कि हुआ था यूपी दिल्ली यूपी सॉरी दिल्ली पुलिस का मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें व्यू बहुत कम काउंट हुए और मैक्सिमम बच्चों ने क्या करा उसमें ऑफलाइन सेव करा है, लाइक का रेशियो कम रहा तो रिजल्ट मुझे पॉजिटिव नहीं मिला। उसको मैं कंटिन्यू करूंगा बट मैक्सिमम गैप के बाद वीडियो बनाऊंगा, लेकिन गैप में अच्छा रखूंगा क्योंकि एक्चुअली आग लगने पर कुआं खोदने में मज़ा कुछ और ही होता है, क्योंकि अभी एग्जाम तो है नहीं तो इसलिए बच्चे ज़्यादा एक्टिव है नहीं, पढ़ने में उनको मज़ा आ नहीं रहा है। जब आएगा हाथ में एडमिट कार्ड, बचेंगे केवल 10 दिन 15 दिन एग्जाम के, तभी आग लगेगी फिर खोदेंगे वो सभी बच्चे कुआं, और मैं उनकी उस समय हेल्प करूंगा 1-2 बाल्टी की, मतलब एक आध वीडियो ले आया उनके लिए धमाकेदार दिल्ली पुलिस में आने वाले जीके के क्वेश्चंस। ठीक है अब मैं इसका देखता हूँ फीडबैक क्या आता है। लगता है कि एग्जाम से पहले ही वीडियो बनानी चाहिए, तो ठीक है एग्जाम से पहले ही वीडियो बनेंगे, तब तक अगर चैनल सस्पेंड हो गया, टर्मिनेट हो गया तो वो फिर अलग मैटर है, वो तो फिर वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसा भी होगा आई एम हैप्पी और आप भी हैप्पी रहिएगा उसके साथ में। सिचुएशन अभी भी आपके हाथ में है, डैम श्योर अभी भी हमारे हाथ में है, अभी हमको हार नहीं माननी चाहिए। मैं तो बिल्कुल हार नहीं माना क्योंकि पेटीएम नंबर एक्चुअली रिमूव करने का रीज़न भी यही था, साल भर में 1200 रुपये, उसमें 1200 रुपये में लोगों को लगता है कि मैंने शायद 12 लाख रुपये कमाए। सब हिस्ट्री मेरे पास में है, किसी को अगर स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, मुझको पता है एक सब्सक्राइबर है हैप्पी सिंह जिन्होंने कमेंट करा था कि सर मज़ा आ गया आपने रिमूव कर दिया व्हाट्सअप, अब हम करेंगे जी लगा करके पढ़ाई। बोलिए हैप्पी सिंह फेमस हो गए आप इस चैनल पर, देख लीजिए नाम लिया मैंने आपका, मैंने ओपन नाम लिया है। तो देखिए इस तरह के बच्चे हैं, तो 1200 रुपये अगर साल के, 100 रुपये पर मंथ, 100 रुपये पर मंथ से किसी फैमिली का गुजारा तो होता नहीं है, इससे बढ़िया व्हाट्सएप नंबर ही रिमूव करो, कम से कम कॉल तो कम आएगी। लेकिन वो जो है जो ग्रुप मैंने आपको बताया था वो नंबर बहुत सर्कुलेट कर रहे हैं और मैं ये नंबर चेंज करना नहीं चाहता, क्योंकि ये नंबर कम से कम मेरा 15 साल से चल रहा है। अब आप खुद सोचिए 15 नहीं तो कम से कम 13 साल तो हो गए इस नंबर को, अब एक नंबर चेंज करने में बहुत दिक्कत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
पद्मनी, भूरा बादल, भोरद्वाज, प्रहाद आदि सांगों की रचना किसने करी थी? क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर आपका डी, पंडित शंकर लाल। क्वेश्चन नंबर 15, आपका हास परिहास किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये गीत है हास परिहास। तो क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर रहेगा इसका विवाह। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सी भाषा हरियाणा प्रदेश की प्राचीन भाषाओं में सम्मिलित की गई? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देना इसका जवाब, गलती मत करना इसमें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर रहेगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर है इसका ए, दाऊ जी का मंदिर। ये जो मंदिर है ना, जिसका नाम है दाऊ जी, दाऊ जी बोलते हैं बड़े भाई को, आपको पता होगा, किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो ये जो मंदिर था, श्री कृष्ण के बड़े भाई कौन थे? बलराम। तो इनकी याद में दाऊ जी का मंदिर बनाया गया था, क्योंकि बलराम को श्री कृष्ण भगवान कहते थे, दाऊ जी, दाऊ जी मतलब बड़ा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। हो गया क्लियर यहाँ पर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने का के विरुद्ध मत प्रकट किया? 19 सही जवाब। आयोग काफी फेमस रहा था ये, चंडीगढ़ में ये आयोग बहुत फेमस रहा था उस टाइम पे, बहुत न्यूज में था, चेक करिए। राइट आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 20, ओपी जिंदल ग्लोबल निजी वीवी कहाँ पर स्थित है? 20 सी, सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्णम मलेश्वरी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर है इसका बी। आगे बात करते हैं, 0 से 6 आयु वर्ग के में हरियाणा के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम था? लिंगानुपात की बात कर रहा है और बात कर रहा है सबसे कम, क्या लग रहा है आपको? ए बी। चलो यार, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे ये आपके लिए भी, सच में इतना बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि आपके स्टेट है तो आपको पता होगा पक्का। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत स्थायी विकलांगता के शिकार हो जाने पर कितनी बीमा राशि पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50 हजार। 23 राइट आंसर इसका होगा, इसका होगा ए। हाँ, इसका आंसर ए ही होगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 24 है कि महान कवि सूरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? 24 राइट आंसर डी नहीं है, डी भी नहीं है, बी भी नहीं है। चलिए अब इसमें करिए, दो में से कोई एक चूज कर लिया आपकी मैंने इतनी हेल्प। सी सी, हाँ सही, हाँ सही होगा सी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित के लिए करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया कब? वो वर्ष हमको पता करना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा ना आपका, एक ऑप्शन सी भी है डी। आगे बात करते हैं, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? 26 सही जवाब, जीव मंडल। क्वेश्चन नंबर 27, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, ध्यान से पढ़ना ऑप्शंस। 27 सही जवाब है इसका ए। 28, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? 28 राइट आंसर। कार्टोग्राफी, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया? मरकरी, वीनस, सैटर्न या बृहस्पति? सही जवाब ए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि, क्या रीजन होता है भाई? 30 सही जवाब है इसका, अभी नहीं बताऊंगा, आप पढ़ लीजिए थोड़ा आराम से।
स्पीड को मेंटेन रखना, एक वॉच परचेज कर लो। कुछ लोग सोचेंगे मैं खर्चा बहुत करवाता हूँ, बुक परचेज कर लो, हमको पढ़ना है फ्री में, जियो की सिम, 1 GB डाटा, उसमें हमारा गुजारा करना है, हमको उसी समय सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। करिए करिए, पढ़िए पढ़िए, आराम से पढ़िए। 30 30 का राइट आंसर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे जोड़ती है किस किस को? 31 सही जवाब, बी। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कौन है? 32 सही जवाब, सी बांग्लादेश। 33 पुलकेशिन सेकेंड किसका महानतम शासक था? 33 राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, ये जो चार जो मठ हैं, इन मठ को किसने बनवाया था, उस व्यक्ति का नाम? 34 राइट आंसर, शंकराचार्य। देखिए एग्जाम में क्या पता आपको आदि ना दे, केवल नाम देगा शंकराचार्य, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप केवल ये नाम याद करिए, शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 35, 35 का क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई थी किसने? तीनों ऑप्शंस में से एक ही राइट आंसर है, डी को आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए राइट आंसर आपका। थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर हमसे कहता है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी? ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, मैं अगेन बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन बेसिक भी है। पढ़िए। 36 सही जवाब इसका बनेगा आपका बी, संगम वंश ने। क्वेश्चन नंबर 37, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 37 राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है भारत के, राइट आंसर इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, डायमंड क्या है? साइंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है, खा लो उसको अभी। 39 सही जवाब होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 40, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध रखता था? क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? 41 सही जवाब 1907। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? 42 सही जवाब। आपको लगेगा कॉर्न वाली शायद, और कुछ बच्चों को पता होगा इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 43, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती किस पर? फोर्टी थ्री सही जवाब। देखिए स्पीड बना के चलिए पढ़ने की, मुझे लग रहा है कि आपकी स्पीड बहुत कम आ रही है। बी। 44 किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? क्वेश्चन नंबर 44 सही जवाब होगा इसका सी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 45, साबुन से बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका रीजन क्या होता है?
स्टैटिक जीके है ये, स्टैटिक जीके। हाँ राइट आंसर से। 46, एक्सरे की खोज किसने करी थी? ये अगेन आपके यहाँ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, मतलब स्टैटिक जीके वो जीके होती है जो आपको पता होनी चाहिए, काफी बेसिक जीके जो होती है ना, इसको बोलते हैं कि अब मैं जैसे आपसे बात करता हूँ कि आपको युद्ध के बारे में पता होना चाहिए, स्टैटिक जीके हिस्ट्री के जो वॉर बनते हैं वो बन जाएगी आपकी स्टैटिक जीके, जैसे पानीपत का वॉर, बक्सर का युद्ध, और आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और अशोक के बारे में टॉपिक काफी यूनिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टाइप की जो भी जीके बनती है वो बनती है स्टैटिक जीके। क्या पता कुछ बच्चों का ना पता हो इसलिए बताया मैंने। तो इसका जो 46 होगा आपका, एक्सरे की खोज किसने करी थी? 46 राइट आंसर लगाइए सही जवाब। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्यों? रीजन क्या है? बताइए, अगर नहीं आता छोड़ देना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, निकल जाता है? 48 राइट आंसर है इसका डी। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसमें? 49, दो ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, ध्यान से पढ़ लो उसको, फिर मैं आगे ऑप्शन आपको सी और डी दिखाने जा रहा हूँ, और जो राइट आंसर आपका बनेगा इन दो में से कोई एक ऑप्शन है, और बताइए, चीटिंग करवा दी मैंने। सी। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? 50 राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 51, डायनासोर थे, चारों ऑप्शंस रीड करो ध्यान से। 51 राइट आंसर इसका होगा बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्या पोलियो का विषाणु या पोलियो का वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? हम कहते हैं ना कि उसको पोलियो हो गया, तो ये एक्चुअली शरीर के अंदर जो प्रवेश करता है, जो वायरस होता है, वो कैसे प्रवेश करता है? मच्छर काटता है तब, किल्ली के काटने से, संदूषित खाद्य और पानी से, लार और नाक के श्राप से। 52 सही जवाब है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 53, प्रयाणिका किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है? 54 सही जवाब सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? 55 राइट आंसर। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा पक्का, डैम श्योर, गलती मत करना। राइट आंसर है इसका डी। 56, पीड़क नाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि है? लगा लिया राइट आंसर, बताऊं क्या सही जवाब होगा इसका? 56 बी। पीएच स्केल का परिसर है, मतलब पीएच स्केल होता है ना, हम कहते हैं कि रक्त का पीएच वैल्यू ये रहेगी, ये लार की ये रहती है, यूरिन की ये रहती है, तो उसका स्केल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी 0.14। अब देखिए नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? देखिए ब्लड का आपको पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए, ये आपको लूसेंट बुक में मिल जाएगी आराम से, जीके की जो लूसेंट बुक है उसके वीडियो तैयार है चैनल पर, उस सबका भरपूर फायदा उठाओ, तरीके से उस बुक को ख़त्म करो,
देखिए, आप चाहे किसी भी स्टेट की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, काफ़ी बेसिक बुक है, आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, कीमत चुकानी पड़ेगी आज नहीं तो कल, करो या मरो की नौबत है उससे पहले। नाश्ते में फैमिली वाले आपके सामने डांट के कटलेट परोसे इससे पहले। शुरुआत में ठीक है, सपोर्ट मिलता है, तो एक टाइम के बाद में उनका पेशेंस आपके पेशेंस के साथ में ख़त्म होने लगता है, जब वो सुनते हैं कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। भाई वो पूछते हैं ना एग्ज़ाम के बाद में, बेटा क्या हुआ, कब आएगा इसका रिजल्ट? आप बोलते हैं फेल हो गया, दोबारा फॉर्म भरते हो, फिर कोई नया फॉर्म भरते हो, फिर आप कहते हो फेल हो गया। तो देखिए, पेशेंस हर एक के अंदर होता है, एक लिमिट तक होता है, सबका टूट जाता है, कुछ लोगों का नहीं टूटता, जिनका नहीं टूटता वो काफ़ी यूनिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, नींबू के रस में पीएच का अनुपात जो अनुमान होता है कितना होता है? 58, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? 59, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है धर्म, इसका राइट आंसर। अगर नहीं पता हो ना आपको जिसका भी आंसर, तो प्लीज उसको कहीं पर A4 पेज पे नोट कर लेना, जो जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग आ रहे हैं ना, जो नहीं आते, या फिर उसको कहीं पे पेन डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 61, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 61, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 62, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रपति और वित्त मंत्री और अध्यक्ष में कन्फ्यूजन होगी, अगर आपने लूसेंट बुक पढ़ी है तो वो कन्फ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, वहाँ पे ये चीज़ कवर कर रखी है हमने। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? 63, राइट आंसर है इसका उच्चतम न्यायालय। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? 64, राइट आंसर डी। 65, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम? 65, राइट आंसर है इसका बी। अब देखिए, ये जो 66 से लेकर के नीचे तक के जो भी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा आप देखिए, मैं इसका सॉल्यूशंस आपको अभी नहीं करवाऊंगा, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ रियल में बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, और मुझे जो एवरेज हमारे यहाँ पे चैनल पे जो आ रही है, 30 मिनट से ऊपर के वीडियो केवल 10% ही ऑनलाइन वॉच होते हैं। और मुझे पता है कि जिसका मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, हरियाणा स्टेट का, वहाँ के बच्चे काफ़ी दिलेर होते हैं, उनसे बात करोगे ना तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। दिल्ली वाले अगर हम उनसे बात करते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है बड़ी भाती है। एक चैनल है ललित शौकीन के नाम से, शेयर को पता होगा, बड़ा दिलदार आदमी है वो, बड़ा मस्त बोलता है। तो आप भी काफ़ी दिलेर हैं, तो अब आपको क्या करना है, आप कमेंट्स में कोई भी जो लोग इस चैनल की टांग खिंचाई करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, तो उनको यार प्लीज़ आप नेगेटिव मत बोलना, क्योंकि तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम उनको देंगे अपने तरीके से रिप्लाई, तरीके से रिप्लाई, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करके और मैक्सिमम लाइक करके। और इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा यार, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे बहुत मेहनती हैं। दिल्ली पुलिस का मैंने वीडियो डाला, 4 दिन इसको हो चुके हैं, और केवल व्यू आए हैं 4 दिन में 800, एक्टिव व्यू हैं 10%, बाकी सबने ऑफलाइन मारा है इसको, वॉच करा है, और लाइक का रेशियो केवल है 59, 90,000 से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पे, आप सोचिएगा ये रेशियो है। और एक छोटा सा डिस्कस और करना चाहूँगा, मैं प्रमोट क्यों नहीं कर रहा, ये कमेंट्स आप मत करना, मैं प्रमोट उस चैनल को इसलिए नहीं कर रहा उनके, क्योंकि उनका चैनल प्रमोट के लायक है ही नहीं, समझ रहे हो? पहली बात तो उनका चैनल एजुकेशन है ही नहीं, उनका चैनल है वल्गर, मतलब भद्दा, ये करने से हो जाएगा वो, ऐसा करोगे तो मजा आएगा,
इस टाइप के को मैं चैनल को देखा, मैं प्रमोट कभी नहीं करूँगा, बंद होता है मेरा चैनल हो जाए, आज ही ओपन उनको बोल रहा हूँ, इस तरह के वाहियात बकवास चैनल को मैं प्रमोट नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली अपनी उसमें लगे पड़े हैं कि हाँ हाँ करो करो करो, तो भाई मैं तो नहीं करने वाला। अब जो पढ़ने वाले बच्चे को बुरा लगता है मेरी बात का लगे, मजबूरी को मेरी भी समझो आप लोग। मुझे प्रमोट करने में एक्चुअली दिक्कत है, क्योंकि YouTube ये कहता है कि 20 लाख से नीचे अगर सब्सक्राइब आपके हैं प्रमोट करते हो, चैनल कभी सस्पेंड हो सकता है। पहला रिस्क ये है, और दूसरा रिस्क ये है कि किसी भी बुक के पब्लिकेशंस की वीडियो बनाना कहीं ना कहीं गलत होता है, वो मैं कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। सोचिए इतना बड़ा रिस्क लेके मैं आपके लिए अगर वीडियो बना रहा हूँ, और आपसे केवल चाहता हूँ कि मैक्सिमम शेयर करो, इस वीडियो को ऑनलाइन वॉच करो और लाइक करो मैक्सिमम। ये तीन चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, किसी कोई चार्ज खर्च नहीं हो रहा, आपके पल्ले से कोई जा नहीं रहा है, उस पर भी ये रिस्पॉन्स आपका नहीं आ पा रहा है। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि आपको बहुत डांट रहा हूँ, एक्चुअली डांट नहीं है ये, कहीं ना कहीं इसमें प्यार भी आपको नजर आएगा बच्चों। देखिए आप क्या करना है, आपको देखो इस क्वेश्चन में ना 66 से लेकर 67 तक वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप खुद इसका राइट आंसर दीजिए, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा इसके आंसर की फाइनल, जो भी आपका स्कोर बनता है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे भेज सकते हैं। पढ़ लीजिएगा ध्यान से सभी क्वेश्चन। सेवेंटी 76 से लेकर के 82। देखिए मैथ में अगर आपका हाथ बहुत टाइट है ना, तो मैथ के लिए आप RS अग्रवाल खत्म कर लीजिए, उससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। RS अग्रवाल के भी वीडियो इस चैनल पे बन रखे हैं, चाहे तो अगर डाटा हो तो वो सभी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी कर लीजिए बुक से, और बुक तो वो आपके पास पक्का हो गया RS अग्रवाल, नहीं है तो देख लेना मार्केट से मिल जाएगी, अदरवाइज ऑनलाइन का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेज कर सकते हैं एज यू विश, जैसे आपको सही लगता है वैसे करना, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ऑनलाइन परचेज करनी है। 85 से लेकर 87 तक पढ़िए, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97। ये रहे आपके फाइनल आंसर की, अब आप चेक करिए। ठीक है, ये रहे आपके आंसर की, अगर लगता है कि इसका रिस्पॉन्स भी मुझे पॉजिटिव नहीं मिलता तो शायद मैं इसको स्टॉप कर दूं, क्योंकि अब आग लगने पे ही कुआं खुदेगा, आपके साथ मैं भी शामिल हो जाऊंगा उसमें। आप ड्रम भर के लाना, मैं एक लोटा भर के लाऊंगा, मतलब बहुत कम वीडियो, क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि देखिए जिस आपका ये एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो फटाफट इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं मैं करवा दूँ, पूरी बुक के सभी प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से मैं लेके आऊँगा, बस रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव चाहिए। बाकी कमेंट्स वाला जो रिमूव वाला जो मैं ऑप्शन आपको बताया था कि मैं इसको डिसेबल कर दूंगा या फिर यूट्यूब करेगा, तो अभी मेरा विचार तो खैर अब मेरा विचार एक्चुअली कहने के बन रहा है कि मैं खुद इसको डिसेबल कर दूं, क्योंकि कमेंट्स बहुत ही अजीब से आ रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स बहुत कम आते हैं, नेगेटिव अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्रमोशंस के लिंक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं चैनल पर। फिलहाल मैं 5-5 मिनट में अपने कमेंट्स को चेक नहीं कर सकता, ना ही मैं अपनी जॉब ड्रॉप कर सकता हूँ, क्योंकि जॉब से अच्छा पैसा आता है, अच्छे स्किल पे मैं पोस्टेड हूँ, बाकी गवर्नमेंट में किस पोस्ट में मैं पोस्टेड हूँ ये मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता। हाँ कुछ बच्चों को मैंने पर्सनली कॉल करके मुझसे मेरी मेरी उनसे बात हुई थी, तब मैंने उनको बताया था, क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होता है हायर पोस्ट में जब बैठा होता है, तो वो इस तरह से यूट्यूब के काम नहीं कर सकता, समाज सेवा नहीं कर सकता, और इवन वो NGO भी चाहे खोलना, अपनी NGO भी अपने नाम पर ओपन नहीं कर सकता है। आप बताइए। ठीक है, मेरा मन आया, मैंने ओपन कर दिया चैनल को, स्टार्ट हो गया, जब तक चल रहा है तब तक चला रहा हूँ, अभी 1 साल इसको होने वाला है दिसंबर में, पेशेंस है मेरा कहीं ना कहीं खोने वाला है, इस पेशेंस को बनाने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप कितनी हेल्प करेंगे वो देखते हैं, वक्त बताएगा वो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और
अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शंस पर क्लिक करें, वहां पर आपको इन सभी बुक के लिंक मिलेंगे। मैक्सिमम बुक कंप्लीट हो चुकी है और आगे काम चल रहा है इस पर। इन सभी बुक के कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर। या तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, या फिर आप डिस्क्रिप्शंस के नीचे आपको दे दूंगा मैं आपको लिंक प्लेलिस्ट का, तो वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं किसी भी लिंक पर, तुरंत आप उस प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। राइट, तो चलिए लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ में। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, आपके लिए एक छोटा सा टारगेट मैं छोड़ के जा रहा हूँ, 24 घंटे में 100 लाइक। जी हाँ, 24 घंटे में 100 लाइक आप प्रेस करिए, मतलब कंटिन्यू लाइक प्रेस नहीं करना है आपको, लाइक डिसलाइक वो होता रहेगा। आप किसी भी तरीके से इसको शेयर करिए और लाइक इकट्ठे करिए, ऑटोमेटिक ये चैनल सस्पेंड होने से बच जाएगा और कमेंट्स डिसेबल नहीं होंगे यूट्यूब के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।